अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन के कोफ्ते। तो चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हाफ के जी चिकन का कीमा, ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसे अच्छे से वॉश करके मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसका कीमा बना लिया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, 2 टेबल स्पून भुने हुए चने का सत्तू, 1 छोटे साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर ली है, 4 बड़े साइज़ की हरी मिर्च जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है, कुछ हरी धनिया, 3 टेबल स्पून देसी घी, यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, 2 टेबल स्पून खसखस का पेस्ट। तो सबसे पहले मैं कीमा ले लेती हूँ। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया, नमक, भुने हुए चने के सत्तू, खसखस का पेस्ट और देसी घी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारे कीमे में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं प्लेट ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा कोफ्ते ले लूँ, कीमा लूँगी और इसके कोफ्ते बनाऊँगी गोल गोल। तो ये देखिए, हमारे गोल हो चुके हैं, बिल्कुल इसी शेप में हमें बनाना है और इसे मैं प्लेट में रखते जाऊँगी। उसी तरह मैं बाकियों के भी बना लूँगी कोफ्ते लेकर। तो ये देखिए, हमारे एकदम चिकने बन रहे हैं, अब इसे मैं रखते जाऊंगी। तो ये देखिए, हमारे कोफ्ते बन गए हैं, अब मैं इन कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और हमारी ऑयल भी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें कोफ्ते एक एक करके डालूँगी। तो अब मैं कोफ्ते डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे दूसरे साइड भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। इसे हमें गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा हमें डीप नहीं करना है, ओनली गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। बाकियों को भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। तो इससे भी हमें गोल्डन फ्राई करना है, तो हमें गोल्डन फ्राई तक इसे भी फ्राई करते रहना है। तो ये देखिए, हमारे बाकी भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसकी ग्रेवी रेडी करूँगी। तो ग्रेवी रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसके मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून दही, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, 1/2 टमाटर जिसका मैंने प्यूरी बना लिया है, ये हमें कुछ फ़ौरन के मसाले हैं, 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 1/4 टीस्पून शहजीरा, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और पानी हसबे ज़रूरत।
तो ये देखिए करीब 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसे गर्म करने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें फ़ौरन डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें प्याज बारीक कटी हुई डालूंगी और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। हमें प्याज को ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, गोल्डन फ्राई करना है, तो हम इसे लो फ्लेम पर गोल्डन फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं प्याज। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। तो इसे अच्छे से मैं भून लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारे अदरक लहसुन भी प्याज के साथ भून चुकी है। अब मैं इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि जो प्याज का स्मेल रहता है वो हट जाए। तो ये देखिए हमारे प्याज भी अच्छे से भुना चुकी है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, और साथ ही में इसमें मैं थोड़े से पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे मसाले जो है वो चिपके नहीं, और इसे मिक्स कर लूंगी। तो हमें इसे करीबन 10 मिनट तक भूनते रहना है और बीच बीच में अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़े तो हम इसमें पानी डालकर भूनते रहेंगे। तो कम से कम हमें 10 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है ढक कर। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे मसाले भुन आए हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले भी बहुत अच्छे से भुना चुके हैं और इसमें देखिए तेल भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से भुना रहे हैं। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी और 2 मिनट तक इसे भून लूंगी। तो ये देखिए हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें दही डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दही को भी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है ताकि अच्छे से खुशबू आए हमारे मसाले से। तो इसे हम ढक कर भूनते हैं। तो ये देखिए हमारे 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है हमारे मसाले भूनने की। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो 1 मिनट तक हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे कोफ्ता के साथ ताकि हमारे कोफ्ता में जो मसाला है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुकी है और हमारी कोफ्ते भी मसाले के साथ अच्छे से भुना चुकी है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, आप जितना पानी इसमें डालना चाहते हैं आप उतने ही डालें। तो आपको जितना ग्रेवी रखना आप उसी हिसाब से अपना पानी डालें। अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी और हरी धनिया। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसे मैं ढककर पका लूंगी 2 मिनट के लिए ताकि हमारी गरम मसाला की जो पाउडर है वो ग्रेवी में अच्छे से आ जाए।
तो ये देखिए हमारे एक मिनट हो चुके हैं और गरम मसाला पाउडर की खुशबू हमारी ग्रेवी में अच्छे से आ चुकी है और हमारे कोफ्ते भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, तो इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे लजीज से जायकादार चिकन कोफ्ता रेडी है। आप इसे नान के साथ, पुलाव के साथ ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।